एक बार और पेश किया जाए। बताइए कैसा है मूड आपके कैंप में? आप तो जो चाह रहे थे, आप तो खुश होंगे आप लोग। मैंने जो स्कोर बनाया था, वो स्कोर बनाना जो आप कंफर्टेबली ले सको, तो मैंने उस हिसाब से बताया था। अब आपने ये स्कोर बता दिया, अब आप ये कंफर्टेबली एज गुजरात ले रहे हैं ये स्कोर। मतलब आप दोनों ही क्या, मैच ऑन है। इतना मतलब राजस्थान ने इतने स्कोर नहीं कर दिए कि आप कहोगे कि मैच नहीं जीत सकते। मतलब ये विकेट ऐसी है, जिस तरह के विकेट है उस हिसाब से ये स्कोर कोई भी अपोनेंट ले लेगा। पर आप एक बात बताइए ना, यहाँ पर तो जयसवाल नहीं चलेंगे तो बटलर चल जाएंगे, बटलर नहीं तो संजू कर लेंगे, संजू नहीं तो रियान पराग कर लेंगे। जीटी में गुजरात में रियान पराग की आई थिंक सबसे पहले तो तारीफ है, क्योंकि जैसे अब हम जब प्रीव्यू में भी हम जुड़े थे तो मैंने कहा था कि जब लास्ट मैच में, क्योंकि मैं वेन्यू पर था और जब वो आउट हुए थे, मैच वो खत्म हो चुका था, उनको बस नॉट आउट जाना था, और जब वो आउट हुए बड़े डिसअपॉइंटेड थे खुद से, क्योंकि वो फाइनली वो मैच्योरिटी उनके साथ नजर आ रही है। और आज भी देखो धीरे धीरे आपको पूरे डिटेल में बताएंगे भी कि स्टैट्स ग्राफिक्स किस तरीके से चीजें रही, क्योंकि शुरुआत में 20-25 बॉलों तक रन अ बॉल थे रियान पराग, मतलब बाउंड्रीज भी लगाई थी बट रन अ बॉल चल रहे थे, बट उसके बाद आप एक्सेलरेशन दो खुद, और जो हम कह रहे हैं स्लोअर वंस को जो ये मारते, इनकी ताकत बार बार परफॉर्मेंस नहीं आती थी इनकी, बट हम वही कहते हैं कि जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी इनके पास है और उस एज ग्रुप में नहीं है इंडिया के पास इस तरीके के स्ट्राइकर जो रियान पराग में एबिलिटी है। तो आज जो मोहित को उन्होंने हिटें लगाई, दो दो छक्के जो लगाए थे स्लोअर रन को पिक करते हुए, और कंसिस्टेंट भी है ना। आप देखो ये इनकी क्या हुआ, एक 40 में स्कोर है, तीसरी मेरे ख्याल से हाफ सेंचुरी हो गई है, पांचवा मैच है ना, पांच मैचों में 450 है इनकी शायद। एक 40 प्लस का स्कोर था कुछ जो 40s में आउट हो गए थे, मेरे ख्याल से 350 है इनके, एक दो तो नॉट आउट है 50s, आज भी नॉट आउट हो सकते थे, बट आज भी अच्छी पारी जब जरूरत थी, आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो गए थे, और संजू सैमसन भी, मतलब इनके नाम को लेकर धीरज भाई विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए उतना शोर नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर बाकी कोई 2 या 3 50 मार दें, उनके तो लगता है कि भाई ये तो होने ही चाहिए। तो अभी भी मुझे लगता है कि संजू सैमसन को कुछ 600-700 रन और होंगे ताकि लोगों को लगे कि विकेट कीपर बल्लेबाज हो सकते हैं। आई थिंक 6-7 हज़ार रन और होते हैं इसके इसके ऊपर। और दूसरा इसी सीजन में चीज होती है इंडिया में जो लंबे टाइम से होती है कि किसी को रखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको रखना है रखना है, और किसी को नहीं रखने के लिए आप बहुत कुछ ढूंढ लेते हो। तो संजू सैमसन एक वो नाम है, अगर आपको नहीं रखना है तो आप ढूंढ लेते हो। आप बोलोगे कि दिल्ली के अगेंस्ट खलील अहमद ने आउट कर दिया था यार इस सीजन। बहुत सारी चीजें स्टोरीज भी आ जाती है, होता होता सब। ये जब संजू की पहली पारी आई थी पहले मैच में तो सब यही बात कर रहे थे कि शुरुआत इनकी होती है लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं नजर आते, और अब वो भी चीज दिख रही है इनके साथ कि अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब आप आपको लग रहा है इनफ टोटल रहेगा ये? मतलब देखो राजस्थान के पास जो गेंदबाजी आज ये है कि चेंजेस में क्या है, कुलदीप सेन वहां खेल रहे, अब पता नहीं, जैसे सवाल आवेश पर थे, संदीप पर भी थे पर्टिकुलरली डेथ बॉलिंग पर, बट आवेश और संदीप ने कुलदीप सेन से तो काफी बेटर बॉलिंग कर रखी है, और आईपीएल में उनका मतलब संदीप का तो नाम है आईपीएल में, और आवेश खान इंडिया भी रिसेंटली खेल रहे थे तो उन पर वो था, कुलदीप सेन का भी आपको पता नहीं। अब इंपैक्ट की चॉइस कौन आते हैं अंदर ये भी देखना होगा, उनके पास तीन ही ओवरसीज थे आज जो हम बात करें, क्या वो केशव महाराज आ रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन का एक ऑप्शन, बड़े स्मार्ट ऑपरेटर है, नवदीप सैनी का भी विकल्प रहेगा, तो इनके पास क्योंकि पेस के ऑप्शन है, मतलब ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप, हो सकता है क्या डिफरेंटली सोचने के उसमें ये केशव का भी पावर प्ले बहुत अच्छा है। दिक्कत है मतलब देखो सबसे पहले तो अगर स्कोर पे आप बात करो तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर उन्होंने रख दिया, और 70% जो मैच है वो अभी राजस्थान के पल्ले में क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे दो अपफ्रंट विकेट आ गई थी, पावर प्ले में दो विकेट आ गई थी, 42 रन पे दो विकेट आ गई थी, लेकिन उसके बाद 130 रन की पार्टनरशिप खा लेना, मतलब गुजरात को भी सोचना पड़ेगा यार, मिडिल ओवर्स में नूर भी है, राशिद भी है, मोहित शर्मा भी है, भी आप करते हो, और मिडिल ओवर्स में आके मतलब जिस तरह से 130 रन की पार्टनरशिप, 63 या 64 गेंद में 100 रन इन्होंने दोनों ने बनाए, और जिस पेस में रन बनाए आप रोक भी नहीं पाए दोनों को, तो आई थिंक ये देख के मुझे लग रहा था कि यार बड़ा हैरानी सी हो रही थी देख के। और गुजरात की बॉलिंग अब मतलब वही वाली बात है ना, ऊपर से शमी भाई अगर अच्छा, आपका अच्छा नहीं करते, उमेश यादव को इम्पैक्ट नहीं दिखता, अब ठीक है नहीं है, अब वो शमी भाई वाली नहीं है काबिलियत उनमें तो नहीं दिखता, बट ये गुजरात के लिए दोनों ने एक समझदारी वाला डिसीजन ये लिया कि भाई राशिद के अगेंस्ट वो अटैक के लिए नहीं गए, राशिद को उन्होंने आराम से खेल के निकाला कि भाई एक ही ये बॉलर है जिसके 4 ओवर खतरनाक हो सकते हैं, उसके बाद नूर आए, नूर को उन्होंने 3 छक्के मारे। रियान का इसलिए मैं कह रहा हूँ, रियान देखो फिनिश करे 48 गेंदों पर 76, जो मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में उनका रन बॉल 20-25 गेंदें रही जो आई थिंक दिल्ली वाली पारी भी रही थी, तो वो उन्होंने, और नूर के अगेंस्ट ऐसा था कि वो बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत कुछ थे, बट उसको कहते हैं कि गेम अवेयरनेस, आप खेलते खेलते रियान में वो मैच्योरिटी दिख रही है कि जो, क्योंकि नूर को क्या है कि नूर का वो
आप कह सकते हो कि लाइन उनकी गलत थी, लाइन गलत थी, बट देन रियान ने सही बॉलें पिक करी, जो छक्के उन्होंने मारे बिल्कुल सही लाइन को पिक करते हुए राइट शॉट्स, क्योंकि वहां से टर्न का स्कोप अगर रहता भी तो कवर कर ली उन्होंने पूरा वहां से, और दो छक्के जो वहां पर दिए, फिर धीरे 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 आपको जो है मोमेंटम वो आगे लेकर गए। राशिद खान ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी, जो हम कह रहे हैं कि चार ओवर में सिर्फ 18 रन, मतलब आप क्या इससे ज्यादा मांगोगे। मैं दोनों में देख रहा था, विकेट कीपर में भी दो ही लोगों की चर्चा चल रही है, एक ऋषभ पंत की और एक कहीं ना कहीं, बट बहुत फर्क है दोनों में। एक ऋषभ पंत है जिनकी टीम नीचे लगी हुई है और जो बल्लेबाजी जब भी करने आ रहा है, मतलब गेम कहीं ना कहीं जो लास्ट वाला भी था, जो बड़ी चेज वाला गेम था, चलो पिछला वाला तो ट्रिस्टन स्टब्स आए थे, अब वो किसका फैसला था मुझे नहीं पता दिल्ली मैनेजमेंट में, कि चाहे वो रिकी पॉन्टिंग का है, सौरभ गांगुली का है, या वो उनका खुद का फैसला है, वो टाइम पे अगर ऋषभ पंत आते, मतलब मैं बहुत ईगर था उनको देखने के उस टाइम, यार उस टाइम पे आप आओ, क्योंकि एक कैरेक्टर टेस्ट भी होता है। और ऋषभ पंत यार देखो टेस्ट में तो उनकी कोई बात ही नहीं है, टेस्ट में तो मतलब हमारे वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं आज की डेट में, और फ्यूचर हम उनको देखते हैं, बट T20 में अगर आप उस सिचुएशन में उनको भेजोगे तो शायद एक कॉन्फिडेंस और उनको मिलता है कि यार मेरे को चेस करना है, साथ में ट्रिस्टन स्टब्स है 25 में 70 मार रहा है, लेकिन मैं इनको तारीफ करूंगा। दो मैच आई थिंक संजू सैमसंग ने, एक पहला ही मैच था, पहला वो भी दोनों पार्टनरशिप, इवन देखो पांचवा दो मैच सैंपल साइज, और धीरेज भाई जो पिछली भी गेम थी, भले ही वहां पर रन्स कम रह गए थे आरसीबी के, बट आप जीरो पर आगे थे और वहां से सेंचुरी पार्टनरशिप करी थी, और उस मैच में अगेन पिछले मैच में भाई देखो मैंने तो ग्राउंड से देखा, और जिन लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, जॉस बटलर शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट संजू सैमसन ने तीन शॉटें मारी थी, एक आई थिंक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, एक उन्होंने पॉइंट के एरिया से चौका मारा था, और एक और पुल किया था शायद बाउंड्री उन्होंने, वो तीन चौके जो थे पूरे इन कंट्रोल, और उन्होंने उस टाइम जॉस बटलर को भी भरोसा दिया, क्योंकि बटलर को उस टाइम पर उतना बेहतर हिट नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है आई थिंक वो सेलेक्टर्स के तब शायद उनको कंसिडर किया जाए, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो वनडे में भी हमने देखा था कि उनको T20 का साल होता है तो वनडे खिला देते हो, वनडे का साल होगा वर्ल्ड कप का मतलब तो आप T20 खिला दोगे, टेस्ट में क्योंकि WTC की साइकिल चल रही है, वरना वनडे T20 की जगह इनको टेस्ट खिला रहे होते हैं लोग, कि भाई वनडे और T20 में तो वर्ल्ड कप हो रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं होता, इनको वहां खिला दो। तो वो आपने भी किया हुआ और सबको पता है, जो सब लोग देखते रहते हैं लगातार, तो संजू सैमसन भी यार अपने काम कर रहे हैं, मैच्योरिटी उनमें भी आई है, जो साउथ अफ्रीका वाला 100 मारा था उन्होंने, ये वाली चीज अगर आप देखो संजू सैमसन जो इस सीजन में खेल रहे हैं, अब इनको ये नहीं करना है कि भाई बाकी पिछले सीजन में भी हमने देखा था कि शुरू के कुछ मैचेस में इनके रन आ जाते थे, फिर बाद में ये विकेट की वैल्यू नहीं करते, जबकि जिस तरह के बल्लेबाज इनको अपनी विकेट की वैल्यू करनी चाहिए, अब इस सीजन को बनाइए 600 रन का 700 रन का, तो क्यों नहीं चुना जाएगा इनको टीम में? कौन सा देखो चुना तो नहीं जाएगा, देखो वो बात हमें बताएगी यार मनोज, तरीके से अगर उस तरह का देखो मौके भी इन्होंने ही दिए, ऐसी बात नहीं, बट आपको मैं ही कहता हूं आज से ये आईपीएल खेल रहे हैं, कोई सीजन उनका 500 रन के गए, पर कितने प्लेयर्स ऐसे थे, कितने प्लेयर्स ऐसे थे जिनका नहीं रहा, जिन्होंने इंटरनेशनल में भी टीम, मैं दूसरों से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट संजू सैमसन के पास जो पोटेंशियल है, इनको हर सीजन में 500 रन बनाने चाहिए थे, बनाने चाहिए 500 से ऊपर ही बनाने चाहिए, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनके पास गेम है, और इवन भले लिमिटेड मिले मौके, स्कैटर्ड मिले, कि एक मिल गया आज या दो T20 बैक टू बैक, फिर आपको लंबे टाइम बाद, उन्होंने वहां पर भी उतना बेहतर नहीं किया है, बट देन कभी कभी आपको देखना होता है कि भाई अगर आपको किसी प्लेयर में लग रही है बात तो आप खिलाओ, आपने बाकियों को तो खिलाया ना, वो भी नहीं बने कोई, ऐसा नहीं उनमें बाकियों से बड़े कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इनको जब मैं कह रहा हूं मिले, अगर आपने किसी और में देखी होती चीज, बिना परफॉर्मेंस के उसको बैक किया होता और आज वो बन चुका होता, आपको वर्ल्ड कप जिता चुका होता, कुछ कर चुका होता, तो लगता भाई संजू सैमसन भी ठीक ही बाहर थे, बट आपको इसीलिए खलता है कि यार T20 टीम में अगर आपकी टीम में संजू सैमसन नहीं है तो हैरानगी होना आपको लाजमी है कि T20 टीम में कैसे नहीं है। ठीक है इन एंड आउट जब होगा प्लेयर को न उस तरीके की सिक्योरिटी है कि भाई मैं खेल रहा हूं नहीं खेल रहा हूं तो कहां से एक्सप्रेस करेगा। अब राजस्थान रॉयल्स में जब से कप्तान बने उनकी कप्तानी की भी नहीं करता कोई बात, उनको विकेट कीपर बैटर के तौर पर भी नहीं करता कोई बात, वहीं कोई और कर दे तो उसको इंडिया का कप्तान बना दो, उसको इंडिया का कीपर बना दो, वर्ल्ड 11 का कीपर बना दो, बट संजू सैमसन आप केरला और राजस्थान रॉयल्स तक ही सीमित हो, आप वहीं खेलो, आपको हमें उससे आगे नहीं ले आना है। तो वो उनके साथ भी गलत हुआ है, उन्होंने मौके गवाए, जितने मिले काफी मौके उनके वेस्ट भी हुए, बट देन इतने भी खराब प्लेयर नहीं है, नहीं, खराब प्लेयर तो है ही नहीं, एशियन गेम्स में ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, पोटेंशियल ये सब हटा दो, क्या संजू सैमसन इस काबिल या इस लायक नहीं है कि वो एशियन गेम्स वाली टीम में होते? एशियन गेम्स की टीम में नहीं थे संजू सैमसन, क्यों नहीं थे कोई मुझे जवाब दे दे आज, कौन कौन चले गया वहां पर? सब लोग चले गए, और ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर एज कैप्टन के उसी वक्त कहा था कि देखिए आपको आगे चेन्नई में भी हो सकता है कप्तानी के रोल में दिखे, वो बाद में आपको वहां पर भी दिखे, वो इंडिया की टेस्ट टीम में भी उस टाइम आगे थे, एशियन गेम्स से कप्तानी करी, वनडे फॉर्मेट में भी थे, लेकिन संजू सैमसन एशियन गेम्स में एज अ प्लेयर भी नहीं थे,
और फिर एशिया कप में हमने देखा वो बाहर से बाहर हो गए थे, वहां पर भी तिलक वर्मा आकर खेले थे, बट संजू सैमसन नहीं थे वहां पर भी। तो संजू सैमसन को आपका होता है कि आज संजू सैमसन यहां से आप जाओ केरला में खेल लो, आप जाओ राजस्थान रॉयल्स में खेल लो, वो तो दुनिया जानती है, उसमें ज्यादा बोलने की भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखना होता। आप हजार मतलब किसी को रखने के लिए आप केवल एक चीज एक रन पे रख लेते हो, और इनको नहीं रखना तो इनके 70 रन पे भी रखते हो, तो ये तो अब नॉर्मल हो चुका है, इस पर हम भी यूज टू हो चुके हैं। पर ठीक है, अब इंडियन क्रिकेट में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनका अच्छा दिमाग है, कुछ अलग सोच रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बातें करते हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर इस मैच को देखें तो गुजरात को मैं देख रहा था, गुजरात आई थिंक एक ही चेज में अभी तक जीता है शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ, हो सकता गलत हूँ, जो एक वो SRH के अगेंस्ट कर रहे थे, वो थोड़ा छोटी चेज थी, बट आज मतलब थोड़ा सा मुझे एक चीज लग रहा है कि शायद कुलदीप सेन आज वो नहीं है, नांद्रे बर्गर नहीं है नए बॉल से अगर आप देखें तो, वो एक आपको थोड़ा सा फायदा देता है गुजरात को कि आज आप चेस में आओगे नो डाउट। और आज ऊपर से भी ना इनको शुभमन गिल चाहे फिर हो, साई सुदर्शन हो, फिर चाहे विजय शंकर हो, अभी ना मनोहर आपके पास बैठा है, मैथ्यू वेड आपके पास, मतलब मैं आज ये बोल सकता हूँ और कि मैथ्यू वेड, बल्कि मैथ्यू वेड पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, जो दो विकेट कीपिंग उन्होंने छोड़ी यार ऑस्ट्रेलिया की, रियान पराग का भी कैसा छोड़ा है आपने, और वो भी तब छोड़ा आपने जब अगर उस वक्त एक विकेट भी आता ना तो मतलब शायद जो अभी स्कोर आप देख रहे हो वो कोलैप्स की कगार पर भी राजस्थान आ सकता था, क्योंकि राजस्थान के पास नीचे अगर बैटिंग देखो तो हेटमायर के बाद थोड़ा सा आपको खाली नजर आता है, ठीक है जुरेल बैठे हैं वहां पर, बट थोड़ा सा आपको फिर अश्विनी सीधे नजर आते हैं। हाँ मतलब उस टाइम अगर वो एक विकेट उनको मिल जाती जाए भाई तो आप बहुत ज्यादा आसपास रुक सकते, बहुत सारे रन रुक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि शुभमन गिल को हमने देखा कि एज ए कैप्टन भी थोड़ा फील्ड में, आई थिंक वो वाइड वाला जो कॉल था शायद वो वाइड दी जा सकती थी, वहां पर अंपायर्स भी कंफ्यूज थे, फिर उस पर भी थोड़ा सा उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखी, और विद द बैट अगेन आपको पता है शुभमन गिल और जयसवाल एक ही रेस में है वैसे अभी, जयसवाल रन ढूंढ रहे हैं, ठीक है यार आज उनका था, बट देखो आप ऐसे जब बात करते हो जयसवाल जयसवाल हो चाहे वो विराट विराट हो चाहे रोहित रोहित हो चाहे जो भी हो, आप अगर फेयर होके देखो तो सब अभी सवार है दोनों, चाहे वो जयसवाल हो चाहे वो संजू, ये शुभमन, बट वही है ना कि अब इस चेज की सारी रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है, अगर गुजरात से कोई एक नाम पिक करना होगा आप शुभमन गिल का नाम लोगे? नहीं मैं क्यों पिक करूंगा, हो सकता है और कौन करे यार आज, अगर आपको ये रन चेज करना है तो शुभमन गिल से रन चाहिए चाहिए, बट यार अगर नीचे मैथ्यू बिना उनके फिर आप वही होगा कि नीचे खेल रहा है अभिनव मनोहर भी है, तो मतलब तीन तो मेरे को स्ट्राइकर है मेरे पास ना, अगर आप ऊपर से अभिनव मनोहर को आप 25 नहीं बट मैं बोलता 25-30 रनों के लिए रखो, बेस्टो ना बनो, बड़ी इनिंग के लिए आप शुभमन गिल पे ही जाओगे, बड़ी इनिंग के लिए शुभमन गिल, अभिनव मनोहर आपको क्या करेंगे जब आपको फिनिश के लिए चाहिए होगा 50-60-70 रन, तब वो नीचे आके रन मार सकते हैं, जब रन चेस की बात आएगी लगता है कि शुभमन गिल आपके, बट आप इसको नहीं देखते कि अगर ऊपर से आप शिखर धवन और बेस्ट होना बनोगे तो आप इन लड़कों को आप थोड़ा सा सवाल तो इसका जवाब ऐसे देखिए ना कि जो आपके राजस्थान के बॉलर आएंगे वो किसका विकेट लेना चाहेंगे, शुभमन गिल एनी डे, वो चाहेंगे कि शुभमन गिल का विकेट निकाल लो यार, ये तो मतलब सबसे बेनिफिट मिल जाएगा हमें। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इनके होने को इस टीम में साई सुदर्शन भी है जो बड़ी पारी खेल सकते हैं, बट की विकेट तो आपका शुभमन गिल ही होंगे, अगर शुभमन गिल ऊपर से रन बनाते हैं गुजरात के मैच जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा क्या बनते हैं कि ऊपर से इनके रन आ जाए, ऊपर से रन मतलब साई सुदर्शन और शुभमन गिल के रन आने चाहिए बस। बट ये कि आपको क्या लग रहा है कि आप कैसे देख रहे हो अभी चांसेस गुजरात के, जिस टीम को थोड़ा सा दिक्कत रही है बात करें बल्लेबाजी की भी, और पिछला मैच जो पिछली रनचेज थी वो भी बैक ऑफ देयर माइंड होगी अभी, ठीक है सरफेस अलग जो आपकी ताकत है कि नई गेंद से विकेट ले रहे हैं, हाँ। स्विंग वो मिली नहीं थी पहली इनिंग में तो नहीं देखने को, बट एक बार तो ट्रेंट बोल्ट को अगर ये विकेट लेस छोड़ देते हैं मतलब पावर प्ले में अगर विकेट नहीं देते हैं तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि गुजरात ये चेस कर ले, विकेट में कुछ भी इस तरह का भूत नहीं है कि बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है बहुत ज्यादा स्विंग मिल रही है सीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से इजी बैटिंग विकेट है उनके पास, विकेट पे टिकना है और रन बनाने हैं, नई गेंद का अभी उस तरीके से ऑप्शन नहीं है, और नवदीप सैनी क्योंकि जस्ट दो दिन पहले तो जुड़े हैं शायद, तो ये हो सकता है कि वहां पर केशव महाराज आ रहे हो और उनको पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट के साथ आप देखें, लेफ्ट आर्म स्पिन वो करते भी आए हैं ये काम, मतलब चाहे फ्रेंचाइजीज में चाहे साउथ अफ्रीका के लिए, और मतलब आपको पता है कि उनके साथ भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा सरफेस डिपेंडेंट प्लेयर नहीं है, जैसे अगर यूजी चहल हैं अश्विन हैं नो डाउट वो यूजी और अश्विन ने तो परफॉर्म भी किया लगातार, केशव महाराज को भी हम उसी तरीके से देखते हैं, तो ये हो सकता है कि उनकी चॉइस हो रही है क्योंकि पेसर्स आपके पास कुलदीप से नई गेंद से, हाँ मतलब इंपैक्ट का एक ऑप्शन भी आपको लाना है, और केशव महाराज मुझे अब दिख भी गए सामने क्योंकि आपके पास वहां पर देखिए ना आवेश भी है आपके पास कुलदीप सेन भी और ट्रेंट बोल्ट भी है, इम्पैक्ट किसको लिया है वही होगा, बट पता है मुझे एक ही चीज थोड़ा राजस्थान की चिंता जो लग रही है इस मैच में, बोर्ड मेरा रन बोर्ड पे इनफ है, बट जो नांद्रे बर्गर ठीक है नांद्रे बर्गर भी नया बॉल सीम पे बड़ा अच्छा डालते हैं और काफी इम्पैक्ट फर्क पड़ा था उनका भी,
बट वो ना होना अब ठीक है, क्या होता बोल्ट अगर पहला ओवर दो विकेट ले जाए, सेकंड दूसरे ओवर से रन रिलीज हो जाए, तो मतलब दोनों ने एटलीस्ट थोड़ा सा ही कर रखा था पिछला मैच अगर छोड़ दो, और नादर बोल्ट के दो ओवर निकालने इनको, अगर बोल्ट के दो ओवर सही सही निकाल लेते हैं। मैच का जो 1900 ओवर था वो नांद्रे बर्गर ने ही डाला था मेरे ख्याल से, जहां पर बड़ी बात हुई कि सिर्फ चार रन आए हैं वो भी नांद्रे बर्गर ने, अगर मुझे सही याद है उन्होंने ओवर डाला था 1900 ओवर वाला ना। चेतन जी जीटी की फील्डिंग पर बोल रहे हैं कि यार बड़ी, मतलब यार मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा थोड़ा सा फील्डिंग तो आप रियान पराग का वो कैच ले लेते तो आप देखिए कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता रन्स का। कितने सारे नाम आप गिनोगे, उमेश यादव का वो था, फिर कुछ वो चौका छोड़ा इन्होंने एक, उसके क्रिक रॉकेट पर यार धीरे धीरे बताओ पहली बॉल पर क्या हो रहा है, क्योंकि केशव महाराज तो हमने बता दिया। क्रिक रॉकेट पर सबसे तेज अपडेट्स आपको मिलते हैं, स्कोर अपडेट्स गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे पहले आप तक भी अपडेट्स पहुंचेंगी। तो पहली बॉल यहां भी बताइए ना, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट डाल रहे हैं कभी कभी विकेट ले आते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ तरीके की चीजें अगर लग रही हूं आपको। सबसे पहले पहला ओवर संभालना है इनको। विक्रांत जी हैं इस दौरान, वो कह रहे हैं कि रियान वो कह रहे हैं थोड़े से स्लो रहे। हाँ स्टार्ट स्लो हुई थी उनकी और डॉट ठीक है, बट एटलीस्ट उन्होंने जिस तरह से पहली गेंद अभी ट्रेंट बोल्ट लेकर दौड़ रहे, लेकिन धीरज भाई ने क्रिक रॉकेट से बता भी दिया कि डॉट है भाई, और देखो डॉट एकदम वहां पर, रनआउट का भी मौका बन सकता था। साई सुदर्शन ये बहुत तेज है क्रिकेट। रणवीर भल्ला जी कह रहे हैं मनोज पराग्स 158 स्ट्राइक रेट इज ग्रेट, कोहली इज 157 स्ट्राइक रेट बैड। यार देखो पहली बात तो कोहली और पराग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पराग को तो आप इतने रनों पर, पराग को शायद पराग आगे कुछ ना भी करें आप बोलोगे भाई बहुत कर दिया आपने कंपैरेटिवली। और दूसरी बात स्ट्राइक रेट वाली डिस्कशन, मैच सिचुएशन तमाम चीजें अलग हैं, और विराट कोहली को भाई देखो अगर जो हम बात करें ना सीनियर लॉट वाली जो बात होती है, अगर कोई नाम वहां पर होना चाहिए था वो विराट कोहली होने चाहिए थे, उसके अलावा किसी ने परफॉर्म किया नहीं है, किसी की परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं, तो स्ट्राइक रेट ये मसला उस तरीके की चीज नहीं है। और आरसीबी का जो रिजल्ट रहा था वो इम्पैक्ट किया है, इसलिए उस पर बात नहीं। आरसीबी के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो बाकी टीम है ना वो मिलके विराट को चौका आ गया, चौका क्रिक रॉकेट पर देख लिया आपने, क्रिक रॉकेट पर देख लिया आपने, अब आया देखिए अब दिखा चौका मैंने पहले बता दिया। एस के चौधरी जी कह रहे हैं बोल्ट के साथ अगर केशव महाराज ने बॉलिंग में स्टार्ट किया तो गिल भैया मैक्सिमम 20 रन करेंगे, अभी लिख के देता हूं ये बात, केशव को थम्स अप दिया है उन्होंने और वो कह रहे हैं गिल को हैंडल कर लेंगे वहां पर अगर ये होता है तो। साई सुदर्शन ने इस बीच एक अच्छा चौका मारा है, साई सुदर्शन भी इनके कंट्रीब्यूशन तो है 25-30-35। राहुल रॉबिन जी आए बड़े दिनों बाद, मतलब कल भी आए थे परसों भी आए थे बट बड़े दिनों बाद आए ना, बीच में गायब थे, बीच में सीरीज वगैरह गायब थे। ये मेरे बैट्समैन है पता है कि नहीं आपको? हाँ हाँ आपने बताया था मेरे साथ पढ़े हैं राहुल, तो वो कह रहे हैं कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट संजू देन हु, वो कह रहे हैं कि भाई संजू सैमसन को उस तरीके से कि कब मौका मिलेगा। संजू सैमसन भी देखो मेरा मानना है अभी जो विकेट कीपर्स के लिस्ट में दो नाम है बहुत ऊपर, उसमें संजू ऋषभ पंत से आगे है, बट वो ये कि अब देखो आगे हैं पक्का, ऑब्वियस सी बात है, नहीं नहीं अब मेरे लिए आगे हो सकते हैं, हो सकता है रनों के लिहाज से आगे हो सकते हो, इम्पैक्ट के लिहाज से आगे हो, बट बड़े लोग ऊपर बैठे उनकी सोच अलग है ना, उनके लिए तो बहुत चीजें अलग अलग आगे रहती है, और इसीलिए हम वर्ल्ड क्रिकेट में इतना आगे आए हैं, इतनी ट्रॉफियां इतनी ट्रॉफीज हमने आगे से उठाते हुए हमारी, कभी वर्ल्ड कप उठा रहे हैं हम 2021, कभी 22 का उठा ले रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, तो वो हम आगे से दिखते भी हैं फिर ट्रॉफीज के साथ। तो ट्रेंट बोल्ट चार गेंदे एक चौका लगाए उसमें और चार गेंदे हो चुकी है, केशव महाराज को भी जो आज की विकेट है उस पर ट्रेंट बोल्ट की ताकत भी काम नहीं आई है, पहले ओवर में तो नहीं अभी मूव वहां उतना नहीं, और पिछले मैच में वही चीज दिखी थी, बट अमेरिकन पिस्ताशोस किसको जरूरत है गुजरात की तरफ से आपको लगता है? शुभमन गिल को, शुभमन गिल को आज मैं तो यार केशव महाराज जी को कहूंगा कि आप रखिए, और राम सिया राम जो उनका गाना चलता रहता है गाने के साथ वो आते हैं एंट्री, तो वहां पर भी उनका यार जब बॉलिंग करने आए तो आई होप क्योंकि हम तो ऑडियो चलेगा और हो सकता है पहला दूसरा ओवर लेकर वो आ रहे हो, तो वहां पर भी राम से आराम चल रहा होगा और केशव महाराज अमेरिकन पिस्ताशियोज उनको खिलाएंगे हम लोग। आपका cricket.com पर हालांकि जो असली फैंटेसी है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप जाकर टीम्स बना सकते हैं, आज का मुकाबला तो निकल गया है, कल मैच रन बनाए उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हैं, फायदा भी नहीं दिया, बाकी टीम में तो थे रियान पराग भी थे और एक विकेट जॉस बटलर की किफायती, उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 18 रन दिए, उनकी गेंदबाजी चार की इकोनॉमी रही, तो एक ओवर में 5 रन हुए, देखते हैं अगला ओवर लेकर कौन आता है। तो आज स्पिनर्स 3 हैं इनके पास, अश्विन यूजी और केशव महाराज, पिछले सीजन भी एक मैच ऐसा हुआ था जैंपा आए थे, आई थिंक दो मैचेस उन्होंने ऐसे खेले थे कि जहां पर तीन स्पिनर्स खिलाए, बट आज देखो जैसे अश्विन टेस्ट क्रिकेट के तो यार लेजेंड ही है, मतलब फिर आपके पास यूजी है जो वाइड बॉल में हम कहते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट, और देन केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिन में वो भी
उतने ही मतलब कारगर एक स्पिनर है। तो तीन आपके पास हाई क्वालिटी स्पिन बॉलर्स हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरीके से रहता है। राशिद और नूर इधर से थे, राशिद ने बड़ा अच्छा स्पेल डाला, नूर का उतना अच्छा नहीं रहा। हम किसको दें धीरज भाई? मैंने तो केशव महाराज को दे दिया अमेरिकन पिस्ताशू, आप किसको देना पड़ेगा यार? कुलदीप सेन, कुलदीप सेन भी यार बड़ी उनसे उम्मीदें रही हैं। सुधांशु भाई भी एक आपको बताया था मैंने, वो भी वहीं पर है एमपी से ही, तो वो भी बड़ा डिस्कस किया करते थे। अब तो खैर टाइम हो गया कुलदीप को आए, 2 साल से वो भी कहते हैं कि भैया मैंने ग्राउंड से देखा है तमाम चीजें यार अच्छी हाइट। अच्छा इन्होंने अभी इम्पैक्ट नहीं लिया है ना, लिया दिया इम्पैक्ट वो अभी वो आगे शाहरुख खान शायद लिया है, बट उनके साथ ना थोड़ा इंजरी के इश्यूज रहे हैं जिस वजह से थोड़ा उनको आवेश आए हैं दूसरे ओवर। आवेश आ गए जी, केशव महाराज नहीं डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा बाउंस कैसे आवेश जनरेट कर रहे हैं, बल्लेबाज थोड़ा सा घबरा रहे हैं आवेश खान को देखकर। ये आरसीबी में भी था, आवेश ने भी यार कुछ भी, आवेश नहीं आरसीबी, आवेश आरसीबी में भी रहे 2017 की, तब तो यार आवेश को कोई जानता ही नहीं होगा, दिल्ली में ही मेरे ख्याल से इन्होंने नाम बनाया आरसीबी, उससे पहले आरसीबी में 2017 वाली आईपीएल में इन्होंने पंत को अब आज आवेश अच्छा कर दे तो सबसे पहले आरसीबी में डाल दो कि आरसीबी में भी थे अनिकेत चौधरी, आवेश सोशल मीडिया हर कोई देखता है तो हर किसी को पता रहता है क्या चल रहा है क्या कुछ, उसके बाद इतना मेंटल टफनेस के साथ वापस आना। और आवेश की भी हमने जो देखी यार स्टोरी उनकी भी बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी, जिस तरीके से वो भी निकल कर सही बॉल डाला आवेश खान, राइट एरियाज को हिट करते हुए आपको लगता है कि पावर प्ले में वक्त ले लेना चाहिए ताकि बाद में फिर अटैक किया जाए? ज्यादा वक्त भी नहीं लेना है, रन इतने कम भी नहीं है, पर मैथ्यू लीड एज अ फिनिशर खेल रहे हैं आपकी तरफ से। शाहरुख खान, मैं वही पूछ रहा हूं, शाहरुख खान नजर आएंगे आपको? शाहरुख खान इंपैक्ट तो बात कर रहे थे आज, मतलब यार एक बैटिंग आपने ओवर एड ऑन कर दी है, अभिनव मनोहर, मैथ्यू वेड भी अपने शाहरुख खान, तेवतिया, शाहरुख एंड राशिद को भी थोड़ा बहुत, विजय शंकर यार लेजेंडरी विजय बैटिंग बढ़ा ली है, बट वही ना कि अभी आराम से वक्त ये दोनों से इतने अच्छे, ये तो दोनों ही हाँ, खेले वक्त लेकर खेलो पावर प्ले में, चाहे वक्त ले लो बाद में, इतनी फायर पावर ले आए हो यार पावर प्ले का वक्त लो, रन बनाने के साथ साथ खेलो। अभिषेक शर्मा कर रहे हैं 12 गेंदे 15 गेंदे उतने में काम कर जा रहे हैं, वैसे वाले नहीं है ना आपके इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जानती हूँ इनको वक्त लेने दो पावर प्ले निकल जाए। आपके पास साथ शाहरुख, तिवतिया, विजय शंकर, मैथ्यू वेड, अभिनव मनोहर, गुजरात का नहीं होगा ठीक है, याद रखिएगा आप दोनों विकेट आपकी जो निकली थी मैं बिल्कुल याद रखूंगा, देखते रहिए अभी आप मैच, इतनी पावरफुल धीरज भाई वो है एक्सप्लोसिव फिनिशिंग लाइनअप, आराम से समझदारी से खेलें, देखिए इंटेलिजेंट क्रिकेट जैसे खेल रहे हैं, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल कितने रहे। परसेंट आप चांस देंगे क्योंकि हमारा ये अब बन चुका है पेट, पता आज गिल के लिए क्वेश्चन, आज गिल के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि अगर आप चेज करते हो और चेज में आप एक मतलब एक ये भी होता है ना आप कैरेक्टर दिखाते हो तो आज की पारी भी जज, आप मुझे ये बताइए जो ये हमारा खास रहता है सवाल, कितने परसेंट आप चांस दे रहे हैं गुजरात को? नहीं गुजरात को 30%, 30 आप कितने परसेंट 30 देंगे? आप कितने दे रहे हैं? 80, 90? आप कितने दे रहे हैं? 50-50 है अभी, 50-50 मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ तो सपोर्ट के नाम पर एक आधा परसेंट डाल दो, आपकी टीम अच्छा खासा स्कोर बनाएंगे गई, अरे यार आप सपोर्टर हो थोड़ा तो कुछ डालो यार अपनी टीम के लिए, 50% बोल तो रहा हूँ इस स्कोर के बावजूद, तो यार फिर भी 51 कर, ये देखो शॉट, अरे कहाँ आउट हो गया, 59-49 करिए या तो, क्योंकि एक 59-49 अच्छा चलो 51-49 आप ले लो गुजरात को, मैं और आप 51 आप भी नहीं, मैं गुजरात को दूंगी 70%, ये हुई ना बात, जय भाई आपको भी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, आप आज आए और क्या, मैंने जर्सी पहनी है मेरा थोड़ा ज्यादा गुलाबी जर्सी में आ गए हो आप, हवा मोड़ के सौरभ मील का देखिए, राजस्थान की बॉल खराब थी, बॉल खराब थी, इसकी जरूरत नहीं, अभी तक आपने बढ़िया लेंथ पर हिट किया तो वहीं पर करना चाहिए, सुन रहे हैं आप लाए थे इनके लिए जर्सी, नहीं नहीं मारा भी उन्होंने पूरा उछल के मारा है, मतलब वो बॉल अभी ऑन थी नहीं, जरूरत नहीं थी, अभी पिक कर ली ना और देख लिया कि, लेकिन आवेश खान का पेस तो पेस किसी और ग्राउंड पे कैच आउट, पीछे थर्ड मैन तो यार इतना थोड़ी होता है कि छोटा छोटा ही रहता है थर्ड मैन, बताओ जीटी के लिए सबसे ज्यादा अभी तक साई सुदर्शन के हैं, चलो बढ़िया फिनिश कर दिया है। पावर प्ले में क्या लग रहा है आपको, सदी भी शुरुआत चाहिए कि पावर प्ले में आपके 40-42 रन हैं, आपको चाहिए कि थोड़ा सा अटैकिंग जाएं?
क्योंकि आपके आज फिनिशर्स बहुत तगड़े तगड़े ले आए हो आप सारे। नहीं मैं ये तो नहीं चाहूंगी कि ढीली शुरुआत हो, पर ये भी है कि विकेटलेस जाएंगे तो शायद हो सकता है फिर पेस अप करें शुभमन गिल। स्टार्स अभी तक मिली है, कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आज शायद कर दे। एक इनिंग है वो 89 जो उन्होंने किया था, 89 उसके बाद फिर वो 30-30 वाले दो स्कोर हैं। अच्छा cricket.com पर धीरज भाई कल आपके लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान रहने वाला है, तो आज मैं टीम नहीं बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप जाएं और एक घंटा पहले टीम्स लॉक हो जाती हैं असली फैन। सबसे पहले टेलीग्राम में आओ यार, हाँ उसमें टीम डालते हैं यार। और वहां पर ये भी आपको, अगर आप जो लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा। एक काम करते टेलीग्राम में देखते कितने लोग आए अभी तक। देखो आप टेलीग्राम का लिंक है निखिल पारिवाल जी करें कि क्या ये बोंगिया क्या होता है, बोंगिया कम मारो सौरभ को, गप्पी अख्तर की एक्टिंग करे। गप्पी कौन है? वो बोल रहे बोंगिया सौरभ को बोलते हो प्यार से। अच्छा बोंगिया है, बोंगिया को बुलाओ और वो अच्छी एक्टिंग करता है ऐसा बोल। गप्पी अख्तर कौन है? अख्तर तो समझ में आया, गप्पी कौन है? ये किसकी एक्टिंग कह रहे हैं सौरभ बता। गप्पी अख्तर कौन सा खिलाड़ी आ गया नया? जो है पहले टेलीग्राम पे करवाने दो लोगों को यार। टेलीग्राम पर भी जुड़े और वहीं पर हम cricket.com की टीम्स भेजते हैं आपको जब कभी चेंजेस वगैरह करने होते हैं, कोई खबर आ गई कुछ भी चीज हो। कुछ नहीं आया यार अभी, उतने ही लोग हैं जितने हैं, कोई नहीं आया। आइए यार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, जुड़े आप फटाफट से। आप भेजो ना इसमें हेलो, हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रहे हेलो। मेरे से अभी लॉग इन है ना मेरा ये तो। हाँ अच्छा आप वैसे देख रहे हैं तो उसमें देखते हैं कितने लोग रिएक्ट करते हैं। ये इन्होंने जो है सब किया यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग में, मैंने देखा कि थोड़ा सा वो कभी खोए हुए से लग रहे हैं, आज भी वो ऐसे बैठे हुए चुपचाप वहां पर। तो यशस्वी का भी फॉर्म थोड़ा सा मतलब वरिंग साइन शुरू हो गए हैं, मतलब चलो ठीक है अपने दिमाग में ना लेके बैठ कुछ तो है उनके साथ चल रही है चीजें यार। 3-4 मैचेस जो चलो ठीक है हमने देख लिया कि हाँ भाई उनसे मिलने जाना पड़ेगा, आज अपना आराम से उन्होंने वक्त भी लेके कोशिश की, मारा भी एक शॉट फिर उसके बाद वो ऐसे में आउट हो गए, ग्लव लगा मेरे ख्याल से और वहां पर विकेट भी अपने दे बैठे। देखना पड़ेगा क्या हो रहा है उनके साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं जानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। रन्स भले ही ना आए कोई बात नहीं, पर आप बॉडी लैंग्वेज को डाउन ना लेके जाएं। जैसे तीन गेंदों पर 23 रन तो भी बैट कर दिए, 3-6 बढ़िया एज पर फील्ड गेंद करते हुए। इधर भी यार ये जो पॉकेट्स वाली जो स्लाइड पूरी खोल रखी बहुत है, हाँ नहीं वहाँ पर लड़कों में भी क्योंकि वो समझ गए कि इधर बहुत ज्यादा वो असिस्टेंस वैसे नहीं मिलने वाला, तो बॉल के हिसाब से अपनी फील्ड लगा रखी उन्होंने। नए लड़कों में भी जब आप खेलते हो ना, जब जाते हो, जैसे 2007 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें रोहित शर्मा एकदम युवा थे उस वक्त, तो मतलब यार देखो रोहित शर्मा ने 2007 तो बहुत अच्छा किया था, बहुत जबरदस्त में उन्होंने फाइनल साउथ अफ्रीका वाला मैच यार वो अच्छा जो मारी थी। हाँ तो यार उसका साउथ अफ्रीका में एक यंगस्टर साउथ अफ्रीका को, और तब मतलब वाइड बॉल में भी कंडीशन रहती थी तब आपको लगता था ड्रॉप चौका बच गया वैसे आई थी। आई थिंक ये लड़कों को ना मतलब आई थिंक जो अभी हैं ये इनको देखना चाहिए उसमें कौन यशस्वी वगैरह को, कि आप नए नए हो T20 वर्ल्ड कप में है तो, और खासकर सीनियर्स हैं आपके साथ यार, एक रोहित है एक विराट है कैंपेनर है। तो यार ये तो फील्डर कौन थे पॉइंट पर अश्विन को लगाया हुआ था यार। चलिए कोई नहीं गुड मूव, मैं संजू को बोलने वाला था भी, मैं गुड मूव दिए ही नहीं मैं वो कह रहा हूं पॉइंट पे अश्विन यार कम ऑन यार चौका रोक लिया चलिए कोई नहीं पॉइंट पे अश्विन यार मनोज ओए ये स्लो डाली थी कुछ नहीं मेरे को लग रहा बॉल था वो, उन्होंने मेरे ख्याल से बाहर बाउंड्री राइडर्स में रियान बराबर इन सबको भेजा, बट आप ध्रुव जुरेल मतलब यार केशव महाराज भी होते यार वो सब छोड़ो जॉन्टी रूट्स यार हर्षल गिब्स जॉन्टी रोड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल क्लार्क क्लार्क साइमंड्स और पॉन्टिंग तो कवर्स में होते थे ना। हाँ वो इधर है इंडिया से कैफ रैना यूवी रहते थे पॉइंट में, कैफ कवर्स में रहते थे मेरे दोस्त साइमंड्स को साइमंडस साइमंड्स भी कवर्स इधर रहते थे पॉन्टिंग भी उधर पॉन्टिंग और इनका कवर्स वाला एरिया यार। माइकल क्लार्क और साइमंड्स मतलब उनको बहुत रेयर होता था कि स्टंप्स मिस करते थे वो, मतलब वो मारते ही मारते थे यार। सहवाग को आउट किया था ना वहां से पॉइंट से थ्रो मार के आउट किया। उनकी पहले कभी उन्होंने 18 डॉलर की सुपर चैट भेजी थी, तो अभी भेज दें आप नॉर्मल सवाल। वो 7 सालों की बात कर रहे हैं तो आप कनिष्क जी आप अभी बताइए क्या था 7 साल पुराना सवाल, अभी डिस्कस होगा वो फैसला होकर रहेगा 7 साल पुराने उस सवाल पर जो हम ले नहीं पाए, आप नॉर्मल में भेजें
महाराज को, केशव महाराज आ गए, राम सिया राम जय जय राम। म्यूजिक चल रहा है कि नहीं, देखो जरा, देखो यार म्यूजिक चल रहा है। सौरभ फिर अभी केएल राहुल भी आएंगे, बोलेंगे केशव भाई जल्दी कोशिश करें, केशव भाई आपके लिए गाना बजाते हैं। बताओ केशव भाई पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ गए, तो मतलब वैसे जुड़े थे उनके साथ ही, डरबन जो भी आ रहा है वो राजस्थान को फायदा दे रहा है, डरबन के वो थे, डरबन सुपर जायंट्स टीम में थे, तो उसके बाद वो पहले वहां गए, वहां से अयोध्या भी गए। सही किया क्योंकि उनको पता शुभमन गिल लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, इन्होंने बोला था ना विक्रांत सर के इंटरव्यू में कि मैं आऊंगा, और गए भी यार, अयोध्या भी गए, अच्छी चीज है, बड़ा मानते हैं यार राम जी को। आई थिंक विकेट आ रहा है, शॉट यार, शॉट इंटरव्यू हो चुका है वैसे इनका, मैंने शॉट अच्छा मारा शुभमन गिल, इनसाइड आउट निकल के, बट वो ऐसे T20 के टाइम हुआ था ना वो, ठीक है। बढ़िया हिट मारी यार शुभमन, मजा आ गया, मतलब ये होता है कि मतलब स्पिनर एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं, अगर आपका वो है नॉट इंटेलिजेंट क्रिकेट बट एक्साइटिंग क्रिकेट, इसको ये कि मतलब चैलेंज लिया ना यार, केशव महाराज आए, आपने उनको प्रेशर में भी डाल दिया, लेफ्ट आर्म पहली गेंद पे छक्का खा गए जी, दूसरी गेंद पे, अब ये कि यहां से इनको ओवर में वापसी करवानी होगी। नई बॉल पे वो भी रहता है ना कि आपको पता है कि बॉल स्किडी होना है, टर्न उस तरीके से रेयर होता है कि नई बॉल पर बॉल टर्न हो जाए, बट इस विकेट पे टर्न भी उस तरह का दिखा है नहीं दिखा है, नहीं बाद में आपको दिखाएंगे टर्न भी थोड़ा सा। अगला T20 वर्ल्ड कप कब है? अगला तो इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है ना शायद, कब है इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका है कि बांग्लादेश है, कि तीनों तो नहीं है कहीं, जल भाई बता देंगे हमारे यहाँ, चाहे 26 है वो सोचने में, सोचा संजू के लिए लिख दूं कि 2000 नहीं यार, इनमें से कोई एक सब कॉन्टिनेंट की टीम भी है शायद, वो वाला है 2000 जो है 50 वाला है 31 वाला वर्ल्ड कप, पता नहीं देखते हैं, 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है। बढ़िया शॉट थी यार शुभमन गिल की, संजू के लिए सोचा 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए लिख दूंगा। अच्छा वो लिख रहे हैं कि 7 साल नहीं, वो कह रहे हैं कि 7 सुपर चैट मिस करे थे पिछले साल और आज भी मिस किया यार, कनिष्क जी का ढूंढे यार आप, सवाल क्या था ढूंढ रहे कनिष्क जी आपका सवाल, टेंशन मत लीजिए। एक छक्का जरूर लगा बट फिर भी जो है, अच्छा कनिष्क जी का सवाल आ गया अभी वाला, वो कह रहे कि RR फैन सिंस 2008, वो कह रहे कि वो चौथी कक्षा में थे, इट वाज ड्रीम, वॉनी शोड अंडर 18 टीम एंड फैन बेस बट लॉयल, आई होप मनोज धीरज रिमेंबर फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप डेज, यार कनिष्क जी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम याद होगा आपको, द लव फ्रॉम मॉन्ट्रियल फ्रेंच सिटी, नेटिव फ्रॉम राजस्थान का, बिल्कुल यार कनिष्क जी याद आ गया बिल्कुल। आपका सवाल मिस हो गया था, आई होप अब यार इनका सवाल मत छोड़ना, कह रहे पिछले साल आई थिंक जो हमने वो वाला किया था 20 अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में, ये वाला नहीं 2018 18 18 हां जो हम लव अप भी होता था ना उस टाइम तो पूरा ही हम लोग रात में करते थे, 2018 फ्रांस जीता था, फ्रांस के सामने कौन था फाइनल में, क्रोएशिया ओके, लुका मॉड्रिच हो गया, नहीं नहीं मत चलाना यार, अरे एसके भाई आपको क्यों कोई मारेगा, आप चलिए देखते हैं किस तरीके से रहता है मैचेस, रविचंद्रन अश्विन को भी ले आए हैं पावर प्ले में, अश्विन आ गए भाई, गिल चल जाए, ओए अन्ना 24 घंटे चौकन्ना है अन्ना, अन्ना भी यार कंटेन तो कर देते हैं, अच्छा ही है अन्ना के साथ भी, अन्ना से एक टफ चांस छूट गया अन्ना, वैसे यार एक बात बताऊं ये यहां का विकेट इतना स्पिन वाला नहीं है, यहाँ पर इंटेलिजेंट क्रिकेट दिखानी पड़ेगी, पिछले जब RCB भी खेला था कोई स्पिन वाला विकेट नहीं था, आप फंसते हो तो, और उस दिन तो आज तो क्योंकि बारिश और वो था ओवरकास्ट का तो उधर ड्यू आज नहीं होगी, बट उस दिन बाद में जब लास्ट के ओवर चल रहे थे हल्का हल्का ड्यू वहीं पर आनी शुरू हो गई थी, जब हमने फर्स्ट इनिंग से भी देखी थी ना एक गेंद राशिद की नीचे रह गई थी, ये अभी अश्विन की भी ये वाली गेंद थोड़ा सा नीचे रह गई, अश्विन भी पूरी वेरिएशन निकालते हैं, देख रहे टप्पा पड़ने पर 4 गेंदें हो जा रही हैं, टप्पा द मोमेंट टप्पा गिर रहा है, 4-4 गेंदें निकल, चलिए पूरा मैच देख लेंगे क्या, 5वां ओवर देख रहे हैं, इंटेलिजेंट क्रिकेट यार देखिए, आप यहां से छोड़ेंगे तब गिल रन मारना शुरू करेंगे, ऐसा है क्या, तो फिर तो मैं चलो बाय, ये दो ओवर देख लो यार, अरे अब हो गया उससे बोल दे चलो बाय, ये देख रहे हो यार 3 गेंदें यार, ऐसा नहीं है किसी, ये 3 गेंदें बस देख, अपोजिशन के साथ गलत नहीं, गलत नहीं कर रहा मैं, गिल के रन नहीं चाहते हैं आप, चाहते